हेलो स्टूडेंट, आज मैं सतुल प्रसाद पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स क्लास 11 का टर्म 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं टर्म 2। टर्म 2 का सिलेबस आपको बता दिया गया है और सिलेबस ये है कि कुछ ये सिलेबस हम लोग का चैप्टर 7 से पढ़ना है। चैप्टर 7 में हम लोग का क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक वीडियो पहले आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जाके देखें ताकि इसका कॉन्सेप्ट उससे इंटरलिंक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज का मेन टॉपिक हम लोग का होगा परमुटेशन, और परमुटेशन पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा फैक्टोरियल। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या है, ये कैसे ब्रेक होता है, ये मैथमेटिक्स में क्या इसका यूज है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल का सिंबल क्या है। फैक्टोरियल का सिंबल या तो ऐसे लिखिएगा या तो इसका मिलेगा ऐसे, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ये फैक्टोरियल कहता है कि अगर फैक्टोरियल n ऐसा कोई नंबर है तो इसका रूल क्या है, पहले n होगा, फिर क्या होगा, एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर एक और सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये कहां तक चलेगा, जब तक ये 1 ना आ जाए, जब तक ये ब्रेक होते होते क्या ना आ जाए 1। सपोज कीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे फैक्टोरियल 5। ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल का ही है, फैक्टोरियल 5 ऐसा लिखिए या फिर 5 फैक्टोरियल ऐसा लिखिए, मीनिंग दोनों का सेम है। ना हम लोग इसको रूल कैसे ब्रेक होगा, ये जनरल फॉर्म हुआ, ये जनरल फॉर्मूला एक तरह का हुआ, ये ब्रेक कैसे होगा, चलिए यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल, तो n के प्लेस में कितना है 5, तो यहाँ क्या होगा 5, एक सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब क्या होगा 5-1 ऐसे चलते जाएगा, यहाँ क्या होगा 5-2, फिर क्या होगा 5-3, फिर क्या होगा 5-4, 1 आ जाएगा ना स्टॉप। दैट मींस 5 × कितना होगा 4 × 3 × 2 × 1। जब तक 1 ना आ जाए आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज 1-1-1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अब इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 20 × कितना होगा 6, दैट इज 120, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना आ गया 120। तो आज का जो हम लोग का एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज होगा आपका 7.2। तो आज हम लोग देखेंगे 7.2 का सारा क्वेश्चन 1 by 1। चलिए हम लोग देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवन वेट फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें 1 का 1, फर्स्ट का फर्स्ट, तो क्या है फैक्टोरियल 8। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, फर्स्ट n होगा, एक सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 7, एक और सब्ट्रैक्ट होगा 6, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 3 2 1 1 आ गया, स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम लोग का आंसर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया हम लोग का, यानी फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका। नाउ सेकंड, सेकंड हम लोग से पूछा जा रहा है 4 × -3। तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक करेंगे, 4 फैक्टोरियल या फिर ऐसे देखिए 4 × क्या हुआ 3। फैक्टोरियल में एक रूल है कि आप जहां स्टॉप करना चाहते हैं वहां स्टॉप कर सकते हैं, यहां फैक्टोरियल 3, यहां फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म में कॉमन आ रहा है क्या, फैक्टोरियल 3, यहां कितना बचेगा 4 − 1, तो ये 3 × यहां क्या बचा 3। अब 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए, 3 × 2 × 1 × 3, दैट इज मल्टीप्लाई करना है, देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इज फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = फैक्टोरियल 7, क्या ये पूछा जा रहा है, क्या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आएगा, मतलब इन जनरली 3 × 4 = 7 आएगा या नहीं पूछा जा रहा है इज। तो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ऐसे तो आप नहीं बता सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 × 4, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, बड़ा को छोटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी है, तो ये होगा 3 × ये होगा 4 × 3, और इधर 7 है तो 7 × 6 × इसका हम लोग जाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 1 + क्या बचेगा 4,
ये फैक्टोरियल था, यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू ये 20, और यहाँ पे कितना आएगा, इतना आएगा नाउ 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ब्रेक करेंगे इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ऐसा ये हो जाएगा 42 इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यह आएगा कितना देखिए 30 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 42 इंटू कितना 12, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 4 8 2 4 4 10 5, यानी कितना आ गया 5040। क्या ये दोनों इक्वल आपको दिख रहा है? नहीं, यानी ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखना है नो, यानी इज दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो क्या लिखेंगे हम लोग नो, यानी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसा आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7, ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, देयर रिजल्ट को देखना है, क्या रिजल्ट इक्वल है, अगर रिजल्ट इक्वल होता तो बोलते हैं यस, इक्वल नहीं हुआ तो नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 क्वेश्चन है, क्या पर क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूट मतलब वैल्यू फाइंड करना है फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 * 2 फैक्टोरियल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाए तो आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा कौन है 8 है, तो 8 को आप यहां तक थोड़ी, तो 8 इंटू कितना होगा 7 इंटू मतलब 1 आपको सब्सट्रैक्ट करते जाना है, 8 में 1 7, 7 में 1 6, नीचे 6 है तो स्टॉप कर देंगे, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 को ब्रेक कीजिए 2 इंटू क्या होगा 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनली आपका कितना बचा 4 * 7 दैट इज 28, आपका ये आंसर हो गया। नाउ अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको देखना ये है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, बड़ा वाला को जोड़ना है छोटा के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा वाला को छोटा के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा आपका कितना था 8 और ये कितना था 6, तो 8 को हम लोग तोड़े 8 7 6 और यहाँ पे क्या है 6 ही रहा, 2 को 2 इंटू 1 दैट इज 6 और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर, इफ क्या बोला जा रहा है, इफ यहाँ पे देखिए बोलता है 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है 8 है, तो 8 को तोड़ेंगे सबसे छोटा के रिस्पेक्ट में, 7 को भी तोड़ेंगे छोटा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे ब्रेक हो गई देखिए, यहाँ हो गया 6, 1 बाय 7 को तोड़ेंगे 7 इंटू क्या होगा 6 इक्वल टू x, यहाँ कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लगा देंगे, अब ये दोनों टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है 1 बाय 6 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 1 बाय क्या होगा 7 इक्वल टू x बाय ये मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा ये 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे कितना होगा 7, यहाँ 7 प्लस 1 x अपॉन 56, यहाँ देखिए कितना आएगा 8 बाय 7 इक्वल टू x बाय 56, ऐसा तो ये देखिए 7 कट रहा है 7 8 जा, तो 8 यहाँ क्या बचा 8 बाय 1 इक्वल टू x बाय 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो x का वैल्यू देखिए आपको क्या देगा x इक्वल टू 8 8 जा 64, तो ये x का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है इवन वेट फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल, व्हेन फर्स्ट में दिया हुआ n का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 2, तो आपका मेन फंक्शन क्या है हमको देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन है 5 का, 5 देखिए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल, अब फर्स्ट में क्या दिया हुआ है n का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 2, ये हम लोग पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो n यहाँ हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, n आपका 6 है, r कितना है 2 है, होल फैक्टोरियल ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको रूल अभी बताया आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा को पकड़िए, बड़ा को तोड़ना है छोटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 तो 4 में फैक्टोरियल लगाएंगे क्योंकि 4 नीचे है और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, इसका आंसर क्या हुआ पहला के लिए कितना हो गया 30। नाउ इसी में देखिए सेकंड आपका दिया हुआ है n इक्वल टू, इसी में आ जाइए सेकंड
n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9, r का वैल्यू 5 एंड r इक्वल टू 5। नाउ हम लोग यहां पे पुट करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन में पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितना बचेगा आप देखिए 4 फैक्टोरियल, तो इसको ब्रेक करेंगे इसके रिस्पेक्ट में 9 इनटू 8 इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 अपॉन अब 4 फैक्टोरियल लगाइए अपॉन कितना होगा 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 9 8 जा कितना हो गया 72 इनटू यहां देखिए 6 5 जा 30 30 इनटू 7 तो यहां पे हो जाएगा 210। अब 210 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, यहां 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां 14 तो 2 यहां 1 यहां 5 यहां 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1513 इतना ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन रहे, एक इंफॉर्मेशन दे देगा आपसे, ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर पूछेगा, तो एल और आर का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ हम लोग ये एक्सरसाइज देख रहे हैं 7.2, 7.2 कंप्लीट हो चुका है फैक्टोरियल से। आपका टर्म 2 में जो एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, उसमें इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन रहेगा, एनी हाउ एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप फाइनली यहां से 2 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो इस चैनल में बने रहिए, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा ए टू जेड ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में। अभी टर्म 2 का सिलेबस देखें, सिलेबस के बाद कंटिन्यू लेक्चर आप देख सकते हैं, डेली इसमें वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो आप मेरे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं मैथमेटिक्स आईक्यू, एड्रेस है गांधी मैदान वेस्ट साइड, मैथमेटिक्स आईक्यू नाम से कोचिंग चल रहा है। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो इसी चैनल में बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो देखना होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।